अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द गार्डनिंग हब। हमारा चैनल जो है वो गार्डनिंग से रिलेटेड है। आपको कोई भी मालूमात चाहिए हो, किसी भी किस्म की मालूमात चाहिए हो गार्डनिंग से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के शेयर कर दी जाए। आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारा वो है जी, एक ही पॉट से हम निकाल के प्लांट को उसी पॉट में दोबारा कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी रूट बाउंडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। ये नीचे से आपको रूट निकलती नज़र आ रही होंगी, ये निशानी होती है रूट बाउंडिंग की। तो अब जो है हम इसका या तो बड़े गमले में शिफ्ट करना पड़ेगा या तो इसी गमले में शिफ्ट करना पड़ेगा। बड़े गमले में शिफ्ट करने की वीडियो जो है वो आप लोगों ने देख ली है। इसी गमले में शिफ्ट करने के लिए जो है वो आज हम वीडियो बना रहे हैं, तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपना रूट बाउल जो है प्लांट का वो बड़े ही प्यार से बाहर निकालना। ये देखें जी, हमारा रूट बाउल जो है वो बाहर आ गया है। ये इसकी ब्राउन ब्राउन रूट्स आपको कैमरे में शो हो रही होंगी, रूट बाउंडिंग की निशानी है ये। पहली वीडियो में भी हमने आपको दिखाया था रूट बाउंडिंग किस तरह होती है। रूट बाउल को निकालने के बाद अब अगला काम जो आप लोगों ने करना है वो ये है कि इसका रूट बाउल जो है वो छोटा छोटा कर लें, हाथ की मदद से कर लें, सीज़र की मदद से कर लें या किसी छुरी की मदद से कर लें। हम जो है वो हाथ की मदद से कर लेंगे। कुछ बिगिनर्स लोग जो हैं वो घबराते हैं, अपना प्लांट्स को रिपोर्ट नहीं करते, उसकी रूट बाउंडिंग हो ही जाती है तो आखिरकार उनका प्लांट जो है वो मर जाता है। और फिर वो क्लेम करते हैं जी हम प्लांट लेके आए थे नर्सरी से और कुछ ही देर बाद वो मर गया। आप जब भी प्लांट लेके आएँ तो चेक कर लें कि कहीं उसकी रूट बाउंडिंग तो नहीं हो रही। अगर रूट बाउंडिंग हो रही है तो आप जो है इस मेथड से उसको दोबारा उसी गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। पत्थर का टुकड़ा रखें अंदर, ये देखें इसका मैंने रूट बाउल जो है वो काफ़ी हद तक छोटा कर लिया है। इसको रखते हैं साइड पे। इसके अंदर ऐड करते हैं थोड़ी सी मिट्टी, ऐड करने के बाद आपको जो है इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। प्रेस चाहे आप हाथ से कर लें चाहे किसी टूल की मदद से कर सकते हैं। अब जो है हम इस रूट बाउल को दोबारा इसके अंदर फेंक देंगे इस तरह से। इसके अंदर दोबारा मिट्टी ऐड करेंगे। मट्टी ऐड करने के बाद आप जो है इसको थोड़ा सा हिला लें और ध्यान रखिएगा कि नीचे आपके फर्श या कोई मार्बल की चीज़ ना हो, आपका पॉट टूट भी सकता है। नीचे मट्टी है इसलिए जो हम इसको थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि एयर बबल जो है वो ख़त्म हो जाए। लें जी, हमारा वही प्लांट दोबारा जो है उसी पॉट में दोबारा ग्रोथ करने के लिए तैयार हो गया है। अब आप इसको किसी भी चीज़ से पानी दे दें और इसको जो है 5-10 दिन के लिए शेड में रखें। उसके बाद इसको जहां मर्ज़ी आप प्लेस कर सकते हैं। इसके हर्बल बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। खैर वो हमारी वीडियो का टॉपिक नहीं है आज, उस पर भी इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आए इसको पानी देते हैं। पानी जो है आप इसको
किसी भी चीज़ से दे सकते हैं। एक बार अच्छे तरीके से पानी दे दें इसको, ताकि मिट्टी जो है नीचे तक गीली हो जाए। जी फ्रेंड्स, तो हमने इसको पानी भी दे दिया है, अब जो है हम इसको 10-15 दिन के लिए शेड में रख देंगे। जी तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये वाली वीडियो का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसे ही आपको वीडियोस मिलती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आपको मिल जाए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।